पुराण हिंदू सनातन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण पुराण है। यह वेद व्यास जी रचित 18 पुराणों में से एक है। यह पुराण सबसे पहले भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा अपने प्रिय सेवक व वाहक गरुड़ जी को कहा गया है। ज्यादातर देखने में यही आता है कि गरुड़ पुराण को लोग किसी की मृत्यु के बाद पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसका हर दिन अपने घर में सभी सदस्यों के साथ पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। इस पुराण को अगर जीते जी पढ़े या सुने तो हर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। इस पुराण में मनुष्य का कर्तव्य, सदाचार, शौच, आहार विहार, चिकित्सा, मृत्यु, आत्मा, श्राद्ध और भगवान की पूजा पद्धति और भक्ति के बारे में विशेष प्रकार से बताया गया है। इस प्रकार गरुड़ पुराण को पढ़ने या सुनने से मनुष्य का निश्चित तौर पर कल्याण हो सकता है। यह बात स्वयं भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। यह गरुड़ पुराण कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भगवान विष्णु जी बता रहे हैं। यह गरुड़ पुराण विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य वर्धक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान लेता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ध्यान पूर्वक इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में अपने पास रखता है, यदि वह धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह धन दौलत को चाहता है तो उसे धन दौलत मिलती है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण उपलब्ध है तो उसके हाथों में नीतियों का कोष है। जो भी प्राणी इस महापुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह सभी प्रकार के भोगों और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्यों की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण को पढ़ने या सुनने से पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना चाहने वाला कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। इस महापुराण को पढ़ने से विद्यार्थी को विद्या, विजय चाहने वालों को विजय, जिस स्त्री को संतान नहीं होते हैं उनको संतान, कन्या को सज्जन पति तथा भोग चाहने वालों को भोग मिलता है, मंगल की कामना वाले व्यक्ति को मंगल, गुणों को चाहने वाले को गुण, काव्य की चाह रखने वाले मनुष्य को कवित्व और जीवन के सार तत्व को जानने वाले को सार तत्व मिलता है और ज्ञान चाहने वालों को ज्ञान मिलता है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके मात्र आधे श्लोक पाठ करने से दुष्ट शत्रु का नाश हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। भगवान विष्णु धर्म प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है और अस्त्र शस्त्र में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण भगवान हरि के तत्व को जानने में मुख्य है। इस गरुड़ पुराण में भगवान हरि ही स्थापित है, इसलिए भगवान हरि ही नमस्कार करने योग्य है, भगवान हरि ही शरण ग्रहण करने योग्य है और भगवान हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, पुराणम गरुड़म पुण्यम पवित्रम पाप नाशम श्रीनवंताम कामना पूरम श्रोतव्यम सर्वदेव ही यश्चेदम शिनु यानत्य मर्त्यो यश्चापि परिकृतयेत विहाय यातना पोराम धूत पापो दिव्यम व्रजेतम। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों के समस्त कामनाओं का पूरक है। इसे हमेशा सुनना या पढ़ना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यात्राओं को तोड़कर स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।